भाई कोई सभी दोस्तों को नमस्ते। और हम यहाँ पर आए हैं, पहले एक बार यहाँ पर वीडियो बनाई थी हमने, जो छगन जी ने इस बीच रास्ते पे, मतलब तीन रास्ते पर यहाँ पर किसी ने जादू टोना कर रखा था और कोई बच्चा था, तो छगन जी ने कुछ गर्दन वर्दन काटी थी उस चीज़ की, जो वो चीज़ एक्टिव थी यहाँ पर, उसी रास्ते का हम वीडियो बनाने आए हैं। तीन रास्ते हैं यहाँ पर। और छगन जी की कौन शांत हो गया बिंटू भाई? वो मम्मी शांत हो गई, छगन जी की मम्मी शांत हो चुके हैं दोस्तों, इसी आप छगन जी नहीं आ पा रहे हैं। आप ये बिल्कुल दिल पे लेना, एक बात दिल से बता रहा हूँ। और हम आए हैं, हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर किसी बुजुर्ग लोग ने बताया कि यहाँ पर तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते पर आप एक क्रिया विधि करो और वहाँ पर एक प्रयोग करो, एक आप एक्सपेरिमेंट करें। तो आके हमने सोचा कि ये क्यों नहीं करें, तो हम एक किलो केला और दूध बेबी क्या और ये दूध, केले, लच्छा, अगरबत्ती और ये हम सब लेके आ चुके हैं। कहते हैं कि इन प्रयोग करने से रात को 12 बजे बच्चा यहाँ आता है, सॉरी बच्ची है, बच्चा नहीं है, बच्ची आती है। और पहले भी हमने बताया थी, कोई रिकॉर्ड हुआ था हमारे कैमरे में, तो वो बच्ची कौन है, हम भी चाहते हैं उसका चेहरा कैसा दिखता है, क्या रियल है, क्या ऐसी कोई वाकई में कोई चीज़ है जो ये चीज़ों पर देखकर वो आ जाती है। कहते हैं कि वो दूध पिएगी, केला खाएगी, क्या पता, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी बुजुर्ग ने एक घंटे हमें बात समझाई, भैया ये क्रिया विधि करना, ये आइटम लेके जाना आप और आप ये शूट कर लो। और टाइम बताया 12 बजे और तीन रास्ते हैं। पहले भी यहाँ पर खतरा था, हमने शूट भी किया था, दिक्कत आई थी। अब हम जाके पिंटू और हम दोनों ही हैं आज, तो देखते हैं क्या चीज़ ऐसा, और लगे रहते हैं वीडियो पे। अब दोस्तों स्टोरी आपने सुन ली होगी, स्टोरी मैंने बता दी आपको, स्टोरी यहाँ की ये है। अब करते हैं इस पे काम और फिर देखते हैं क्या होता है। ज्यादा लेके आ चुके ना, सुखी दे दी भाई उसने यार, सुखी मतलब पाली से, मतलब क्या होता नक पाली से, मतलब ये कि उसका सिंगार है ना, क्या हो जाए कुछ, क्या सीसी टूट गई है, ये उसकी कंगी हो गई है, कुछ है तो नहीं, कोई नहीं। आवाज स्टार्ट हो गई भाई, चालू हो गई।
दोस्तों ये प्रयोग कभी आप अपने कहीं घर पर कभी तीन रस्तों पे कभी करना मत, ये कोई चीज़ मजाक नहीं है। कभी भी हादसा हो सकता है और आप बेमौत मर सकते हो, आप ये रिस्क वाला काम है। इस हिसाब से दोस्तों कभी इस चीज़ों पर ज़्यादा मजाक भी नहीं ले, सीरियस रहना हमेशा। और फेक बोलने वाले बोलते रहेंगे क्योंकि उनके चक्कर में आके कभी ऐसा करना मत, क्योंकि ज़िंदगी आपकी दांव पे लग जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी फिर आपकी इच्छा। एक बंदा ऐसे ही कर रहा, एक बंदा है ना बुजुर्ग था, तो उसने तीन रस्ते पे कुछ चावल वावल करके ऐसा कोई टोटका मारा तो वो भी वहाँ पर उसको कोई झटका आके वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। ये बात करीब 10 साल पुरानी है, जो वही मर गया था वो बुजुर्ग। अब कोई कहते हैं उसको साइलेंट अटैक आ गया, कोई बोलता है कि उसको वो उम्र उसकी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिस्क वाला काम। हे मेरे बजरंगबली, मैं आपको याद कर रहा हूँ, अगर आप अस्तित्व में कोई चीज़ है यहाँ पर और ऐसी कोई वास्तव में लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई बच्ची रहती है जो आप इसी दायरे के अंदर घूमते हो और वो आके आप रोते हो आपके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, तो आपके लिए हम ये जो लेके आए हैं यहाँ पर, तो इसका आप प्रयोग करके हमें आपका रूप दिखा सकते हो कि आप कैसे दिखते हो, और हम भी चाहते हैं कि आपको देखें। तो ये आप हमारा एक जो होगा कि आप सामने आओ और ये करो तो हमें दिल खुश हो जाएगा, वाकई में यहाँ हमारा विश्वास हो जाएगा कुछ चीज़ है। तो ये मैं आपको ये याद कर रहा हूँ इसी वक्त, और अभी 12 बजने वाली है दोस्तों, तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, तुम्हें ये डर लग रहा है दोस्तों, इंटू भाई डर लग रहा है क्योंकि यार कुछ आवाज़ें निकलती नहीं सारी रात को। देख मुझे तो भाई डर, मतलब चीज़ें देखते भी डर लगता है, मतलब रात को सांसें ऐसे चलती हैं। और देखो डर तो ऐसी कोई बात नहीं, तो भी जिगर रखते हैं हम, पर देखिए तो ही थोड़ा सा बहुत यूँ अतलाने लगते हैं ना, बोल बोल के आवाजें बोलते क्या निकलती क्या चीज़ें, मतलब ये क्या कि एक लोगों को मैसेज करते हैं भाई यार ये फेक है, ये कुछ नहीं होता है। हाँ मैं भी मानता हूँ, पर लेकिन जहाँ जगह ओरिजिनल है तो है, सही वो हकीकत बातें होती है। जहाँ फेंके हम भी बोलते हैं वहाँ फेंके, हमने जहाँ चीज़ होती है हम वहाँ बता रहे, हम ऐसे थोड़ी। अब पता नहीं दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, कैमरे में रिकॉर्ड हो, हम एक प्रयोग कर रहे हैं। अब ये प्रयोग से क्या होता है या नहीं होता है, बस हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आप भी देखो, और आप भी हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भयभीत नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, हौसला हमेशा बनाए रखना, बाकी चीज़ें होती रहती और होता रहता सब कुछ, कभी दिल पे नहीं रहना, बस देखते रहो इस दुनिया वास्तव में है क्या। दे तो कंप्लीट हो चुका है पिंटू भाई, ज़्यादा कहने नहीं लगे, अब चलते हैं, चीज़ कोई आ सकती है, मतलब दूर जाना पड़ेगा, बंद है भाई। चालू यार, बंद कैसे हो गया ना? चलो अब वो चीज़ आ सकती है तो ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से और आपका इंतजार करते हैं, कोई चीज़ है तो आएगी, हम देखना चाहते हैं चीज़ है क्या वास्तव में। दोस्तों पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने एक रिकॉर्डिंग की थी, जब वीडियो में एक बच्ची दिखी थी हमें, वो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन हम भी चाहते हैं उस बच्ची को पकड़ ले हम, तो ये वाकई में वास्तव में ये चीज़ है क्या, लेकिन पर लेकिन दोस्तों क्या कि कहते हैं कि इंसान के रूप के अंदर ही होती है वो, वाकई में इंसानी मतलब इंसानी होती है वो, अपने टाइप ही दिखता है। एक मैंने सोचा कि किसी ने एक बात बोलता हूँ, आज से 7-8 साल पुरानी बात है, कि रात को एक लोग बुजुर्ग बात कर रहे थे, जो घड़ी बज रही थी 12:30 बजे थी, तो किसी खेत के पास में बात कर रहे, तो एक औरत निकली उनके पास से, वो औरत निकली तो औरत में थोड़ी वो क्या, उसके पैर उल्टे थे, हाथ उल्टे थे, मुंह टेढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं था, और औरत थी वो, सचमुच बता रहा हूँ कि अपने जैसी ही औरत थी, इंसानी औरत भी थी, और उन्होंने बुजुर्ग ने देखा इतनी रात को 12 बजे इधर औरत क्या लेने जा रही है, और उधर गाँव ही नहीं, वो जंगल की तरफ रास्ता, तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और उन्होंने पीछा किया उनका, और थोड़े से आगे गए वो औरत गायब हो गई, उन्होंने ढूंढ लिया, फिर उन्होंने सोचा कि वाकई में कोई चीज़ छला हुआ था जो उनको जाल में डाल के आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन वो सही टाइम पर सही समय पर रुक गए थे, बाकी वो मारे जाते। तो दोस्तों आप बात करते इधर, कोई चीज़ आई अभी तक कोई नहीं आया बेटू,
लाइट तेज करना पे थोड़ी लाइट तेज तेज है। बारह बजने में ओनली 5 मिनट घट रहे हैं भाई पिंटू भाई, चीज आ भी सकती है ना वो फिक्स हो गया। 12 बजे फिक्स का टाइम बताया हुआ है, 12 से 12:15 लास्ट। बारिश के साथ मच्छर भी काफी सारे हो रहे हैं यार, दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ये सब मुझे क्या फर्जी बातें लगती है पिंटू, आपको क्या लगता है चीजों? मुझे मतलब लगता है ऐसा नहीं, क्योंकि हमने काफी शूट किया, मतलब होता थे ऐसी बात नहीं, चीज होती है। ये दूध रखना, केले रखना, ये उनका मतलब चढ़ावा होता हो, चढ़ावा उसका खाने भी हो गया, मतलब खाने का हो गया है, उनको आकर्षित करती है, आकर्षित करती चीजें, मतलब बिल्कुल सही है बात। मतलब वो बोलते नहीं क्या शमशान में पीकर, मतलब कभी दारू पी के नहीं जाना चाहिए, जैसे आकर्षित तो भगवान कोई भी होती ना, हम दारू पीकर अगर मंदिर में चले जाए बिल्कुल तो प्रॉब्लम भगवान को होती है। आप शूट ध्यान देना, कोई सेंटर रखना, बिल्कुल कोई आई नहीं रहा लग रहा मुझे यहाँ पर। जिंदगी में इंतजार ही खराब पड़ता है ना, तुरंत प्रयोग करे, तुरंत चीज आ जाए, ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। हाँ यार, ये मेरे को ऐसा लगता है कि, पर लेकिन यार मैं भी विश्वास करता हूँ, ऐसे मजाक में लेना अपनी जिंदगी के साथ धोखा करना। पास मत जाओ, इधर जाओ पिंटू, के इधर दूर आ, पीछे आ जाओ, एक्टिव हो चुकी, देखो जानवर बोले, जानवर बोलने का मतलब संकेत सही है भाई, तो चीज की खुशबू आ रही है उनको, चीज आने वाली कोई, कोई वो देख चीज आने वाली कोई भैया, इधर से देखना भाई, इधर देखना, इधर भी जानवर तो नहीं कोई, देखते पास देखें क्या कोई चीज ली, कुछ कुछ कम नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ, सामने आके चले गए तो। भाई भाई दिखा, इस दुकान दिखा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं दिखा मुझे, कोई चीज नहीं आ रही, आ रही है भाई, कहाँ आ रहा है सामने, ये ऐसे सबको डर लग रहा है भाई, डर मत हो, कुछ डर मत, नहीं नहीं भाई देखो भाई देखो, अब दिखा नहीं, दिखा मुझे भाई, अब दिखा नहीं, दिखा मुझे भाई, मजाक कर रहे हो आप, कहाँ मजाक कर रहे हो भाई, अब देखो, अब देखो आप, कैमरा बिल्कुल आपने सही बना रखा है यार, अब देखो, हाँ पिंटू भाई कुछ चला हुआ दिख रहा, दिखा हाँ दिखा दिखा भाई दिखा, वो देखो पिंटू, वो चीज खतरनाक है कोई है, ध्यान से देखो, ये कोई जानवर आ रहा है कि या कोई कोई इंसान है या कोई वाकई में कोई बच्ची की आत्मा है, बच्चे की आत्मा भाई, कोई जानवर नहीं भाई यार, और पिंटू भाई भाई आराम से भाई देखना, भाई भाई देखना कुछ से, अरे बाप रे, अरे केला 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 चिल्ली है,
यार सुनते हो, मुझे ऐसा लगता है यार मतलब कोई है, मतलब ऐसी चीज़ यार बहुत मतलब काफ़ी मतलब 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 ये एक एक्सलेंट चीज़ है, मतलब भूख से या कोई मर रहा है और खतरनाक जो मुझे लगता है यहाँ पर किसी की बिगड़ा हुआ हो यार जोरदार पिंटू भैया वो दूध पीरा पिंटू देखो दूध पीरा बच्चा ध्यान से देख भाई कैप्चर कर कौन है क्या रहा भाई भाई यार रिकॉर्ड कर ए और भाई लाइट और बापरे बैटरी खत्म एक मिनट दूध यार भाई 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 बैटरी खत्म है अरे यार भाई 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 फोन मेरा बैटरी भी खत्म एक मिनट बैटरी में लेके आता हूँ एक बैटरी बैठ लेके मैं बैठ लेके आता हूँ बैठ भाई बैग बैग भाई भाई बैग में लटका चल कर चालू कर जल्दी चल कर ले यार एक मिनट लाइट देख भाई चीज गई नहीं गई भाई चीज नहीं गई अभी तक भाई यार लाइट कैसे बंद हो गई रही भाई वो खाई की नहीं जब तक नहीं जाएगी हाँ हाँ साला यार कैमरे का फोकस लगा अरे बाप रे यार चीज बैठी हो भैया हाँ चीज वही है भाई अभी तक हाँ यार वो तो दूध दूध पी रही भाई पिंटू लाइट बंद होना इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है पिंटू भाई पीछे आ सकती है वो चीज ये इधर जा रहा भाई इधर भी आ रही है इधर यार क्या कर ऐसा लगता है कोई चीज है मतलब कोई मतलब उन चीज़ों का प्रयोग करके मतलब अपना कोई विस्तार करके निकल रही है सही है भाई मतलब ये कोई चीज़ समझ नहीं आया यार क्या गोल गोल घूम रही है ना भाई देखना देखना अरे भाई बचारी बचारी जंगल की तरफ जाना मतलब यार भाई पास में जाओ इतना भाई भाई आवाज मारना नहीं खाया भाई दूध दूध भी पिया था ये भाई मुंह लगा है देखो ये इसके इसके ये सबूत भाई मुझे लग रहा है यार कोशिश पूरी थी पता नहीं पिंटू मुझे ऐसा क्या लगता है यार कुछ चीज़ वास्ते में कोई है दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके ऊपर ही है दबा के वीडियो शेयर करना दबा के लाइक करना दोस्तों हम पूरी तरह से मेहनत किए और आपके लिए किए और आपके लिए रिस्क उठाया है जो तीन ये देवटा बोलते तीन रास्ते जो फंटते ना वहाँ करना प्रयोग बहुत खतरनाक रिस्क होता है कमेंट में जरूर बताना कि आपके पास ऐसा कोई आइडिया है आपको क्या लगता है कि हम क्या करना चाहिए जो बच्चा आके बोले हमें ये दिक्कत है हमें यहाँ से मुक्ति दिला दो ये आपके ऊपर डिपेंड है बस आपका प्यार मिलेगा आप अगर हमें ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे हमें सपोर्ट करोगे हम कुछ आगे और नया सोच के ये पूरा काम करेंगे क्योंकि हर वीडियो में हम एक जो हमारे गुरु है उन्होंने बोल दिया कि इन चीज़ों से क्या है क्या नहीं करना है इनको मुक्ति दिलाना इनके साथ ऐसी क्या चीज़ें ऐसे प्रयोग करना और इन प्रयोग से क्या होता है नुकसान दोस्तों मैं की बात कहना चाहता हूँ मैं आज इतनी बात की मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा कि आप कभी रात को निकलो 12-1 बजे अगर ऐसी कोई चीज़ मिल जाए आपको तो वह उससे कैसे बचना है आपको और वो अगर आपको लग भी जाए डर घुस जाए अगर आप बीमार होने लग जाओ
उससे कैसे ठीक होना वो भी हम बताएंगे। बस आप हमारा सपोर्ट बनाना। इतनी रात को मैंने दिल की बात की है एक भाई के नाते, आपका छोटा भाई हूँ, बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फेक बोलने वालों की कोई दिक्कत नहीं, उनका काम ही वो कहेंगे। दोस्तों कितनी मेहनत कर लिए आज के लिए, जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमने ऐसी कोई ज़्यादा नहीं बताया कि या दोस्तों इसी हमारी वीडियो में बहुत एक अलग चीज़ होती है और आपको लगता होगा कोई फेंक वेक, दोस्तों ये किया हमने क्या इसमें बुरा हो गया, तो ये चीज़ हमने किसी को बताई थी। आज के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम समेट रहे क्योंकि कोई और आगे अचानक कोई इधर जाते हुए यहाँ से रास्ता जाता है तो कहीं आगे एक मंदिर है वहाँ पे जाता रास्ता, तो कोई डर नहीं जाएगी टोटका किसने कर रखा। हम नहीं चाहते इस चीज़ों को यहाँ पर रखना, समेटते हैं इनको। और आज के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, बस आपका प्यार चाहिए। बाय बाय दोस्तों।